ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच जिला संभल को बड़ी सहूलियत मिल गई है। यहां एशियन हसीना बेगम हॉस्पिटल अल्टू शुरू हो गया है। एसडीएम और सीएमओ ने जिम्मेदारों के साथ बैठक करने के साथ ही व्यवस्थाओं की जानकारी ली, जिसके बाद संक्रमित मरीजों को अस्पताल में शिफ्ट करके इलाज शुरू करा दिया गया। वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन और अन्य इंतजाम होने की बात सामने आने पर एल2 अस्पताल शुरू कराने को लेकर सहमति बन गई, जिसके बाद अस्पताल में संक्रमित मरीज शिफ्ट किए जाने लगे। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि एक संक्रमित मरीज को एशियन एल2 अस्पताल में शिफ्ट करा दिया है और 5 मरीज शिफ्ट कराए जा रहे हैं। हमारे संभल जनपद में कोई भी एल2 लेवल का कोविड हॉस्पिटल नहीं था। उसके मद्देनज़र तैयारियां हमने बहुत कोशिश की, उसके बाद हमारे सेठ जी हैं कासिम सेठ, इनका अस्पताल है ये हसीना बेगम हॉस्पिटल, तो इन्होंने पूरी मतलब मदद की हमारी एल2 लेवल का हॉस्पिटल बनाने के लिए, और इन्होंने अपना पूरा हॉस्पिटल हम लोगों को दिया और ये एल2 लेवल का हॉस्पिटल इनके प्रयास से ये बना और अब ये बड़े अच्छे तरीके से रन हो रहा है हॉस्पिटल, और इस टाइम पे 15 पेशेंट भर्ती हैं और बड़ी अच्छी केयर की जा रही है मरीजों की। ये हमारे जनपद का एकमात्र एल2 हॉस्पिटल है जो ये स्टेबलिश और वर्किंग कंडीशन में है आज की तारीख में। जब कल मेयर एसडीएम साहब और हमारे एसडीएम साहब और हमारे मनोज चौधरी साहब ने जी मेरे पास आए संभल, और सीएमओ साहब ये मेरे हॉस्पिटल आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे संभल की पब्लिक को मतलब ये सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैंने उनको बिल्कुल विश्वास दिलाया कि मैं अपने हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट सब रखूँगा, बाकी पेशेंट नहीं रखूँगा। समझे, मेरा मैंने अभी उनको 100 बेड का वो दिया है, 100 बेड के पेशेंट मेरे यहाँ हैं, और मैं ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 150 बेड उनके लिए लगा सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी है संभल की मैं सेवा करूँ और मुझे इससे ही मुझे लाभ मिलेगा। काफ़ी आ रहे हैं, कल से मेरे बाद 25-30 पेशेंट आ चुके हैं। मैं उनके मेरे डॉक्टर मेरे उनका इलाज कर रहे हैं और बराबर मैं उनका उसमें लगा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ बराबर हॉस्पिटल, जबकि मैं पीछे हॉस्पिटल में कम आता था। अब मैं जब से मुझे डीएम साहब और एसडीएम साहब ने कहा तो मैं बराबर अभी इस पर हॉस्पिटल के उसमें अपने ऑफिस में खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, और किसी तरह की भी मेरे यहाँ पेशेंट को परेशानी नहीं होगी, उनका पूरा इलाज किया जाएगा। बाकी ऊपर वाले की अल्लाह ताला जो उसकी वो करेगा उसकी मर्जी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संभल के संक्रमित मरीजों को TMU कोविड एल2 अस्पताल में शिफ्ट किया जाता रहा है। भविष्य में TMU अस्पताल में मरीज शिफ्ट नहीं हो सके तो संक्रमितों को संभल जिले में ही इलाज देने के लिए जिला प्रशासन कई दिनों से मंथन और तैयारी कर रहा था। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने संभल के एशियन हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को एल2 अस्पताल के लिए अधिसूचित किया। ग्लोबल टुडे के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।